गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अनदर पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। यहाँ मैंने क्रिएट किया है ब्यूटीफुल रस्टी ऑरेंज आई शेडो लुक विथ सम ग्लिटर्स ऑन माय लिड, एंड आल्सो मैंने यहाँ पे इसे पैक किया है रस्टी ऑरेंज लिपस्टिक के साथ। और अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और विंटर्स के लिए तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजर मेरे पूरे फेस पे, और ये काफ़ी देर तक मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखता है। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24K ज्वेल प्राइमर, और इसको मैं अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्स हैं। तो मैंने यहाँ बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है, ये जो प्राइमर है इतना स्टिकी नहीं फील होता है स्किन, एंड ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है स्किन पे। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये ओलिविया का है पैनकेक। दिस इज 100% वाटरप्रूफ नेचुरल हनी शेड है ये 24 में। मुझे ये बहुत ज्यादा येलो लगा मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं इसे स्पंज में ले रही हूँ जो इसके साथ ही आया था, और मैंने स्पंज को ना वेट किया है। एंड जब मैंने इसे अप्लाई किया आई वाज लाइक वो, मेरी स्किन से ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था क्योंकि ये येलो में है। ये वाला शेड बहुत अच्छा है डस्की स्किन के लिए, तो आप जरूर ट्राई करना। I was totally shocked after using this product. मुझे ये इसका कवरेज इतना अमेजिंग लगा, और सुपर डुपर अफोर्डेबल है ये पैनकेक। मतलब ब्राइडल सीजन के लिए, ब्राइडल्स पे भी ये बहुत अच्छे से जाएगा उनके बेस के लिए, एंड ऑल्सो अगर आप अगर आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट आना इट वॉज फ्लॉलेस। मैं ट्रांसलूसेंट की हेल्प से मैं बेस को अच्छे से सेट कर दूंगी। ऑब्वियसली ये जो पैनकेक है ये थोड़ा सा येलो में है, और बहुत ज़्यादा येलो ही लग रहा था मेरा फेस, तो इससे मैं यहाँ पे ये पाउडर यूज़ करूँ बिकॉज ये वाइट में है तो ये अच्छे से बेस को सेट कर देगा। और फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये फोकल ओर का न्यू आई शेडो पैलेट है, दिस इज स्माइल, एंड बहुत ही ब्यूटिफुल शेड्स हैं इस पैलेट में। मोस्टली इसमें ऑरेंज एंड येलोइश में ही, मैंने यहाँ पे जो ऑरेंज शेड आपको दिखाया है वो मैं पॉप करूँगी मेरे आउटर वी पे, और उसे मैं एक्सटेंड करते हुए मेरे इनर कॉर्नर्स तक लेकर आऊँगी विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडिंग ब्रश। मैं इसे अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करती रहूँगी। फिर मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट, एंड इसमें से मैंने पिक किया है शेड, ये थोड़ा सा डीप रस्टी ब्राउन शेड है, तो ये मैं पॉप कर रही हूँ मेरे आउटर वी पे जहाँ मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया है। मैं उसके साथ ही इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, एंड ज्यादा फोकस मेरा रहेगा यहाँ पे आउटर वी पे, एंड इसे मैं एक्सटेंड करते मेरे इनर कॉर्नर्स तक लेकर आऊंगी। और मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश चेंज कर लिया, ये थोड़ा सा इसके जो ब्रिसल्स हैं थोड़े कम हैं एज कम्पेयर टू मैंने पहले वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया था, उसके ब्रिसल्स जो थे वो थोड़े मोटे थे, ये थोड़े से इसमें कम है। आई मीन कहूंगी कि ये क्रीज लाइन के लिए बेस्ट है। देन मैंने यहाँ पे अगेन वेट एंड वाइल्ड पैलेट में से एक और शेड लिया है, ये थोड़ा सा डार्क वाइनिश पिंकिश में, तो इसको भी मैं अपने आउटर वी में अप्लाई करूंगी। तो सारे तीनों शेड्स को मैं मर्ज कर दूंगी क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑम्ब्रे लुक आएगा। एंड मैं यहाँ पे कट क्रीज बनाऊंगी, सो कट क्रीज के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टे कुकी का हाइड माही की कंसीलर। तो मैंने सेम फोकल और पैलेट में से सन किस शेड लिया है जो मैंने एज द ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था सबसे पहले, तो वो मैं अपने लिड पे अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैंने लिया है फोकल और पैलेट में से सुपर स्टार शेड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लिटर शेड है, मल्टी ग्लिटर्स हैं इसमें ज्यादा ग्रीन येलोइश का कॉम्बिनेशन है ग्लिटर का, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे कट क्रीज पे, बहुत ही सुंदर ग्लिटर्स हैं ये।
सो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लिया है विच इज रोज गोल्ड रेट्रो और मैं उसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर आई लाइनर के लिए मैंने यूज किया है ये फेसेस का है मैग्नेट आईज आई लाइनर एंड आई लव दिस वन क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज विंग लाइनर बना देता है एंड बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग है इस आई लाइनर की सो आई हाईली रिकमेंडेड। फिर यहाँ मस्कारा यूज कर रही हूँ मैं शुगर का और इसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को थोड़ा वॉल्यूम दूंगी। उतने हद तक ये वॉल्यूम नहीं देता है लैशेस को बट ठीक ठीक मीडियम वॉल्यूम दे देता है। सो यस ये और वैसे भी मुझे यहाँ पे लैशेस अप्लाई करना ही है बिकॉज लैशेस आर माय लाइफ। सो फॉर लैशेज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शीन के हैं ये ब्यूटिफुल डॉल लुकिंग लैशेज हैं ये जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दीज लैशेज। मैं तो लाइक आई एम सुपर ऑब्सेस विद शीन के लैशेज एंड दे आर सो परफेक्टली अमेजिंग। यहाँ पे मैंने आर्जेल का ग्लू यूज़ किया है एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द ट्वीज़र मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी मैंने जब आई लाइनर लगाया उसके बाद ही मैंने फटाक से ये लैशेज लगा दिए सो इट वॉज वेट तो वो ढंग से लग नहीं पा रहा था। कभी आपके साथ अगर ऐसा होता है कि अगर आपने आईलाइनर लगाया और आप एकदम से लैशेस लगा दें तो आप उसे होल्ड करके रखना लैशेस को सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाए। यहाँ पे काजल लिया है ये NYB का कोल काजल है ब्लैक में और इसे मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा यू नो स्मोकी लुक देगा ये आईज को। अंडरलाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का है ये आर्च डिफाइनर जेरी ब्राउन में है तो इसकी हेल्प से मैं आईब्रोज को डिफाइन करूंगी अंडरलाइन करूंगी। यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लिया है उसकी हेल्प से मैं ब्राउज को फिल कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ब्राउ किट नहीं है तो आप कोई भी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक शेड अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्राउज के लिए। तो कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ LA Girl स्पाइस ब्लश पैलेट है ये, इसमें से मैंने ये कॉन्टोर शेड लिया है तो ये पाउडर फॉर्म में है तो इसको मैं अप्लाई करूंगी जहां जहां मैं कॉन्टोर करती हूँ मेरे यूजुअल एरियाज पे स्टार्टिंग फ्रॉम माय चीक बोन्स और थोड़ा बहुत मैं अपने साइड ऑफ माय फोरहेड पे भी अप्लाई करूंगी जॉ लाइन पे। सो दीज आर दी एरिया जो मैं चाहती हूँ काफी एजी एंड शार्प लुक दे। अगर आपका चबी फेस है तो आप उसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा चबी नहीं है अगर आपका फेस बिल्कुल यू नो फेस स्ट्रक्चर ठीक है तो आप उसे बहुत ही हल्का क्वांटिटी में ही अप्लाई करें। मेरा तो फेस वैसे भी थोड़ा बहुत चबी है और चबी होए जा रहा है आजकल इतना खा रही हूँ मैं बस माशाल्लाह इसी से हो जाता है फेस अच्छा सा कट एंड एजी लुक आ जाता है तो थोड़ा सा स्लिम शेड दे देता है ये फेस को। पैलेट में से लिया है मैंने ब्लश ये कोरल में है। आई टोटली लव दीज काइंड ऑफ शेड्स कोरल स्पेशली क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश लुकिंग बना देता है स्किन को। यहाँ मैंने इसे अपने चीक्स पे पॉप किया है और ये ब्लश ब्रश है ये भी मैंने शीन से परचेज किया है इट वॉज इन द सेट सो उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपके लिए। आईटी के लिए यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई डोंट नो व्हाट शेड आई एम यूजिंग बट मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ब्यूटीफुल ये शैम्पेन एंड हल्का सा सिल्वर में है।
सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलुरोनिक फिक्स एंड इसके हेल्प से मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर दूंगी। एंड मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लिया है, ये पर्पल की है मिनी लिपस्टिक, इट्स इन द शेड माय फर्स्ट डेट, इट्स अ ब्यूटीफुल रस्टी ऑरेंज शेड एंड सारे लुक के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर इज द कंप्लीट लुक गाइज, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे। कॉमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको आज का लुक कैसा लगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।